अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। इतने ज़्यादा मैसेजेस के आप ही प्लीज़ बेसिक चीज़ों से हमें कुछ बनाना सिखाएं। हम बिल्कुल बिगनर हैं, हमारे पास मेजरिंग स्केल भी नहीं है, तो प्लीज़ आप स्पून से हमें रेजिन मिक्सिंग सिखाएं। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोग के लिए एक ऐसी वीडियो बना दी जाए जो कि बिल्कुल बेसिक हो। वैसे हमारी क्लास 1 जो थी वो भी बिल्कुल बेसिक थी, लेकिन उसके अंदर हमने डायरेक्ट प्लेक बनाया था, आप हमारी वाली वीडियो भी देख सकते हैं। खैर, आज हम बनाने लगे हैं ये लीफ कोस्टर। मोल्ड को सबसे पहले मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था, मोल्ड के साथ रेजिन चिपक ना जाए, इसलिए हम यूज करते हैं ये मोल्ड रिलीजिंग स्प्रे। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपने लेनी है वैसलीन। वैसलीन की बस इतनी सी क्वांटिटी आपने अपने फिंगर पे लेनी है और मोल्ड के ऊपर जैसे कि मैं अप्लाई करूंगी आपने सेम वैसे अप्लाई करना है। थोड़ी थोड़ी दूर दूर करके आपने इस तरह से इसको लगा देना है और फिर इतनी सी क्वांटिटी को आपने सारे मोल्ड के ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर देना है। मैं इस मोल्ड को 2 से 3 बार यूज कर चुकी थी, अब खतरा था कि रेजिन इसके साथ स्टिक हो सकती है, इसलिए मैंने ये वैसलीन अप्लाई की है। अगर आप मोल्ड को स्टार्टिंग में इस तरह से प्रेप करेंगे तो आपके मोल्ड की लॉन्ग लाइफ होगी और आपकी डीमोल्डिंग भी बहुत स्मूथली हो जाएगी। इस टिप को अपने डायरी में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये जी, हमने अच्छे तरह से वैसलीन को मोल्ड के ऊपर अप्लाई कर लिया है। आज की वीडियो में मैं यूज कर रही हूँ क्रिस्टल आर्ट की रेजिन। ये 2:1 रेशो की रेजिन है, इसके पार्ट ए पार्ट बी मेंशन हुआ हुआ है। ये वाला पार्ट ए है और ये वाला पार्ट बी है। अब जी हमने लेने हैं 2 अदद स्पून। मेरे पास प्लास्टिक के ये वाले स्पून अवेलेबल थे, आपके पास जो भी हैं आप वो यूज कर सकते हैं, बट प्लीज अगर आपने एक बार उसे रेजिन के लिए यूज कर लिया तो फिर आप उसको बाद में किसी और काम के लिए यूज ना करें, उसको रेजिन के लिए ही यूज करें। सबसे पहले मैं ले रही हूँ पार्ट ए यानी कि रेजिन का। जब हम स्पून से मेजरिंग करते हैं ना तो बहुत से लोगों की मेजरिंग इसलिए परफेक्ट नहीं होती क्योंकि वो लोग रेजिन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा ले लेते हैं और हार्डनर की क्वांटिटी बहुत कम लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ रेजिन जो है वो थोड़ी सी गाड़ी गाड़ी है और जब मैं रेजिन को कप के अंदर पोर करती हूँ तो थोड़ी सी रेजिन मेरे स्पून के साथ भी रह जाती है, इसलिए आप नोट कर सकते हैं कि मैं रेजिन की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी स्पून से एक्स्ट्रा ले रही हूँ। देखें, जैसे स्पून पूरा भर चुका है, मैं फिर इसको इसके अंदर डाल रही हूँ। इस पार्ट को एक्सप्लेन करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सिंपली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि रेजिन जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी होती है, इसलिए आपने 1 स्पून के बाद जो 2nd स्पून आप डालेंगे वो थोड़ा सा भर के डालना है। जैसा कि मैंने ये वाला डाला है, देखें भर के फिर मैंने ये डाला है। रेजिन की क्वांटिटी मैंने 6 स्पून ली है। स्पून के ऊपर जितनी भी रेजिन लगी हुई है वो मैं वुडन स्टिक की हेल्प से इस तरह से रिमूव कर दूंगी ताकि जो हमारी रेजिन है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। अब जी मैं लेने लगी हूँ रेजिन का पार्ट बी। जैसा कि हमारी रेजिन 2:1 रेशो की है और हमने रेजिन यानी के पार्ट ए के लिए थे 6 स्पून, तो अब हम लेंगे पार्ट बी यानी के हार्डनर के 3 स्पून। हार्डनर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लिक्विडी होती है, इसलिए हमें इसको भर भर के लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जितना स्पून है जैसे आपको दिख रहा है, हमने उतनी ही हार्डनर की क्वांटिटी लेनी है। अब स्पून के ऊपर जो हार्डनर रह गया है हम उसे वुडन स्टिक की हेल्प से इस तरह कप के अंदर ही रिमूव कर देंगे। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसकी मिक्सिंग। जब हम कम क्वांटिटी में रेजिन को मिक्स करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे बबल्स आ जाते हैं। सबसे पहली चीज कि आपने रेजिन को बहुत आराम आराम से मिक्स करना है। देखें, अभी मैं आराम आराम से मिक्स कर रही थी लेकिन फिर भी इसके अंदर बबल्स आ गए हैं। अब कुछ लोग इसी पॉइंट पे इन बबल्स को देख के इतना ज्यादा पैनिक हो जाते हैं कि वो अपनी हिम्मत और हौसला यहीं पे ही हार जाते हैं। आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, जिस तरह मैं मिक्स कर रही हूँ आपने सेम इसी तरह से मेरे साथ साथ मिक्स करना है। कोशिश करें कि जब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो मेरी इस वाली वीडियो को लगा लें और जिस तरह मैं मिक्स कर रही हूँ आप भी सेम मेरे साथ साथ इसी तरह से मिक्स करें। मैंने इस वीडियो को इसीलिए बिल्कुल भी कट नहीं किया ना ही एडिट किया है ताकि आप लोग को आसानी हो सके। कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे भी आते हैं कि आप ही हम रेजिन को कितने मिनट तक मिक्स करें। सबसे पहली चीज तो डिपेंड करता है आपकी रेजिन की क्वांटिटी कितनी है। सेकेंड ये कि रेजिन मिक्सिंग की कोई टाइमिंग नहीं होती। जब आपको फील हो आपकी रेजिन क्लियर हो चुकी है तो इट्स मीन आपकी रेजिन रेडी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरी रेजिन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है, इट्स मीन कि मेरी रेजिन जो है वो रेडी है। लेकिन इसके अंदर जो इतने सारे बबल्स आए हुए हैं इसे मैंने थोड़ी देर 1 मिनट के लिए मैंने इसको स्टे देना है, छोड़ देना है। इसको मैंने जब थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो इसके सारे बबल्स जो है वो इसके ऊपर आ गए। अब मैंने लिया लाइटर और इस तरह से मैंने लाइटर कर दिया। लाइटर करने से क्या हुआ, इसके अंदर जितने भी बबल्स थे वो सारे रिमूव हो गए हैं और हमारी परफेक्ट रेजिन मिक्सिंग हो चुकी है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ 2 प्लास्टिक के कप। मेरे पास ये छोटे साइज के प्लास्टिक के कप थे, मैंने वो ले लिए। जो रेजिन हमने मिक्स की थी वो इक्वल हम इन दोनों कप के अंदर डाल देंगे। लाजमी नहीं कि आप भी सेम ऐसे छोटे साइज के प्लास्टिक कप लें, आपके पास जो भी कप है आप वो यूज कर सकती हैं। मैं यूज कर रही हूँ ये ब्लैक कलर का पिगमेंट, इसका जरा सा ही ड्रॉप इतना अच्छा कलर ले आता है, इसलिए मैंने इसके कुछ ही ड्रॉप इसके अंदर एड किए हैं। ये चेक करें, अभी मैंने सही से मिक्स भी नहीं किया था और ये पूरा ब्लैक हो गया, मतलब इसकी इतनी अच्छी पिगमेंट है।
अब मैं यहाँ ले रही हूँ गोल्डन कलर का मीका पाउडर और इसको ऐड करेंगे हम दूसरे वाले कप में। मीका पाउडर की क्वांटिटी आपने लेनी है 1/2 टीस्पून। अच्छा, अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ये फ्लोटिंग पाउडर 1 पिंच। फ्लोटिंग पाउडर ऐड करने से क्या होगा कि ये एक परफेक्ट गोल्डन कलर बन जाएगा। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अच्छा, यहाँ मुझसे छोटी सी मिस्टेक ये हुई थी कि मैंने ना कप के अंदर ज्यादा रेजिन डाल दी थी और जब मैंने कलर ऐड किया और मैं उसे मिक्स करी थी तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। फिर भी मैंने कलर को मिक्स कर लिया था। खैर, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाले कोस्टर के अंदर मैंने फ्लोटिंग पाउडर ऐड नहीं किया था तो इसका कलर देखें इतना गोल्डन नहीं है, लेकिन जो ये वाला कोस्टर है इसके अंदर मैंने फ्लोटिंग पाउडर ऐड किया था और ये देखें कितना परफेक्ट गोल्डन कलर है। तो दोनों में डिफरेंस आपके सामने है, अभी आपकी चॉइस है कि आपने फ्लोटिंग पाउडर ऐड करना है या नहीं। कलर्स को रेजिन के अंदर हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। समटाइम क्या होता है कि हम रेजिन में कलर्स को अच्छे से मिक्स नहीं करते जिसकी वजह से हमारी रेजिन ड्राई नहीं होती और ड्राई होने के बाद भी चिपचिपी होती है। तो आपने रेजिन के अंदर कलर्स को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस ब्लैक वाली रेजिन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स नहीं किया था इसलिए मैं इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। मैंने इस ब्लैक पिगमेंट का यूज बहुत कम किया था लेकिन फिर भी मेरे ग्लव्स इतने गंदे हो गए थे। चलें जी, हमने दोनों रेजिन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं सबसे पहले गोल्डन कलर की रेजिन ले रही हूँ और इसे थोड़ा थोड़ा करके कुछ इस तरह से कोस्टर के अंदर पोर कर रही हूँ। रेजिन वर्क करते हुए ना मेरा फेवरेट पार्ट ही पोरिंग करना और इसको डीमोल्डिंग करना है। आप लोगों का रेजिन वर्क करते हुए मोस्ट फेवरेट पार्ट कौन सा है मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। अब मैं ब्लैक रेजिन को भी थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से पोर कर दूंगी जिस तरह से गोल्डन कलर की रेजिन को पोर किया था। रेजिन पोर करते हुए आपने अपने दोनों हाथ का यूज करना है। जैसे कि मुझे यहाँ फील हुआ कि ब्लैक रेजिन गोल्डन के अंदर जा रही है तो मैंने फटाफट से गोल्डन रेजिन पकड़ी और उसे ब्लैक के अपोजिट पोर कर दी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूं। और यकीन माने जब मैं आप लोग के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देखती हूँ जिसमें आप मुझे दुआएं दे रहे होते हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो मैं इतनी ज्यादा मोटिवेट होती हूँ कि मेरा दिल चाहता है मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बना बना के गाइड करूँ। यहाँ मुझे गोल्डन रेजिन जो है वो ज्यादा लग रही थी इसलिए अब मैं ब्लैक रेजिन को पोर कर रही हूँ और गोल्डन रेजिन को स्टॉप कर दूंगी पोर करना। टॉप वाले पार्ट पे भी मुझे ब्लैक रेजिन कम लग रही थी तो मैंने वहां पे भी ये थोड़ी सी पोर कर दी। सेंटर में मुझे फील हो रहा था कि गोल्डन रेजिन थोड़ी सी कम है तो मैंने थोड़ी सी वहां पे भी पोर कर दी। अच्छा जी, तो अब हमने क्या करना है, आप देख सकते हैं कि हमने जो फ्लोटिंग पाउडर इसके अंदर ऐड किया था वो सारा फ्लोट करके रेजिन के ऊपर आ गया। मैंने ली वुडन स्टिक और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके रेजिन के अंदर इस फ्लोटिंग पाउडर को मिक्स कर दिया। बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना वरना बबल आ सकते हैं, वो भी नीचे की साइड पे, हमें पता भी नहीं चलेगा। बस इस तरह करना है जिस तरह मैं कर रही हूं। मुझे आप लोग के इतने ज्यादा कमेंट आते हैं कि आप ही प्लीज डेली व्लॉग डाला करें या डेली वीडियो डाला करें, तो आपने मेरे इस टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लेना है। यहाँ मैं कुछ ना कुछ डालती ही रहती हूँ, कुछ ना कुछ स्टोरीज शेयर करती रहती हूँ। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाएं और इस अकाउंट को फॉलो करें। जो हमारा गोल्डन कलर का रेजिन बच गया था उसे मैंने इस छोटे वाले मोल्ड में ऐड कर दूंगी। जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं अपनी किसी भी कजन का नेम इसके ऊपर पेस्ट करके फाइनल कोट दे दूंगी। मेरी रेजिन जब भी बच जाती है तो मैं कुछ इस तरह का बना लेती हूँ, या तो पेंडेंट बना लेती हूँ या तो कीचेन बना देती हूँ, फिर अपने किसी भी कजन या नेबर्स में गिफ्ट कर देती हूँ। और फिर जब वो अपने फ्रेंड्स में जाते हैं और उनसे लोग पूछते हैं कि आपने ये कहाँ से बनवाया तो वो मेरा नाम लेते हैं और इस तरह वहाँ से भी मेरे एक दो ऑर्डर्स आ जाते हैं। आपके भी अगर रेजिन बच जाए तो आप उसका इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ यूज कर रही हूँ लाइटर। लाइटर करने से क्या होगा कि आपकी रेजिन में जो भी बबल्स आ जाएंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। अब आपने लेनी है टूथपिक। अगर आपके पास टूथपिक नहीं है तो आप ये मैच स्टिक भी ले सकते हैं। टूथपिक से आपने इस तरह सेंटर में इफेक्ट्स क्रिएट करने, जैसे कि मैं कर रही हूँ। जब आपकी रेजिन थोड़ी सी थिक होगी तब आप ये इफेक्ट्स क्रिएट करेंगे तो आपके इफेक्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। इसमें इफेक्ट क्रिएट करने के बाद मैंने इसे 24 आवर्स ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। 24 आवर्स बाद ये बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और देखें कितना स्मूथली ये डीमोल्ड हो रहा है। तो आपके पास अगर मोल्ड रिलीजिंग स्प्रे नहीं है तो आप इस तरह वैसलीन अप्लाई कर सकते हैं और उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं कितना स्मूथली ये डीमोल्ड हुआ है। हमारे इस प्यारे से लीफ कोस्टर में कुछ इस तरह की लाइन्स हैं जिसे मैं इनहेंस करूंगी गोल्डन कलर के मार्कर से। हमारा ये कोस्टर इतना परफेक्ट रेडी हुआ है कि इसकी कोई शार्प साइड्स नहीं है। अगर इसकी कोई शार्प साइड होती तो हम उसे पहले कटर की हेल्प से कट करते, देन फिर हम गोल्डन मार्कर से इसमें लाइन क्रिएट करते। जैसे ही मैंने गोल्डन मार्कर से इसके पेटल्स को ड्रॉ किया है इस लीफ की तो लुक ही चेंज हो गई है। आप लोगों को आज का ये ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या हो वो भी मुझे लाजमी बताइएगा। मेरी वीडियो आप किस कंट्री से किस सिटी से देख रहे हैं ये बताना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, मैंने इस कोस्टर के ऊपर कोई भी फाइनल लेयर नहीं दिया था क्योंकि ये ऑलरेडी इतना शाइनी था कि मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।